यार क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का। सब्सक्राइब बटन को काला करो, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखो यार, बिल्कुल भयानक खतरनाक डोले छोले वाली दुल्हन। क्या सीन है, यानी कि मित्रों इससे भी ये शादी करेगी, अगले दिन उसे टपका देगी। यानी कि इतने बड़े बड़े डोले होंगे तो यार उसका बचना थोड़ा सा असंभव है। और जैसे दुल्हन अपने दूल्हे को एक डोला दिखाएगी, उसका दूल्हा यार ऐसे बर्तन साफ करेगा और बोलेगा, माफ कर दे मेरी रानी, मैं तो हो गया पानी पानी। इसलिए पुराने लोग कह गए हैं कि डोले वाली दुल्हन से शादी कर ली अपने हाथों से बर्बादी। और यहाँ पर देखो इस शादी को, आखिर किसने इनका लफड़ा करवाया है, यानी कि किसने रिश्ता करवाया है। दुल्हन की तरफ देखो छोटी सी, दूल्हे की तरफ देखो यार बिल्कुल विशाल काय। ऊपर वाला तो काफी सोच समझ कर जोड़ियां बनाता है, लेकिन नीचे वाले पंगे लेते रहते हैं। देखो यार कैसी जोड़ी बना डाली। और तभी बारी आई माला डालने की। दुल्हन ने काफी कोशिश की, फिर यार उछल उछल कर भी कोशिश कि मैं माला डालूंगी, दूल्हे राजा को माला डालूंगी, लेकिन नहीं डल पा रही। लेकिन दुल्हन ने मेहनत कर करके माला डाल ही दी। मित्रों ये कैसी जोड़ी है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और यहाँ पर देखो यार दूल्हा और दुल्हन को इनकी अभी अभी शादी हुई है, तभी यार आगे घर। तभी दुल्हन ने सोचा कि चलो थोड़े से गहने वहने उतार लूं। तभी यार एक एक करके सभी के सभी गहने उतार डाले, और गहने उतार उतार के देखो यार क्या निकल गया अंदर से। दूल्हे का तो वहीं पर कच्चा गीला हो गया, वो बोलता होगा ये कौन सी भूतनी आ गई यहाँ पर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। इसलिए मित्रों सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी दुल्हन ना मिले तो दुल्हन का मुंह वगैरह धुलवा कर देख लेना, और बाल बाल भी चेक कर लेना कहीं और ही टकली हो। अब मित्रों यहाँ पर देखो इस आंटी और इस बड़े आंटे को। अबे अंकल जरा ऊपर की तरफ देख, दिखा कुछ, यमराज जी आते होंगे, अब तुम्हारा टाइम हो चुका है। ऊपर का चेक बनवाने की उम्र में ये बंदा अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएगा। देश बदल रहा है। इस आंटी को मैं यही बोलना चाहता हूँ, बुड्ढे पे नहीं मरती तू, पैसे पे क्यों मरती है। बुड्ढा बारिश कर दे पैसे की, जेतू हो जाए बुड्ढे की, बुड्ढे की होगी अब बारिश होगी पैसे की। अब मित्रों यहाँ पर देखो ये शूटिंग वोटिंग हो रही है या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है यार देखकर यार बहुत ही बहुत दुख हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मित्रों यहाँ पर देखो धूमधाम से शादी हो रही थी, और दूल्हा दुल्हन को माला डालने वाला था, लेकिन तभी यार शादी में दुल्हन का प्रेमी आ जाता है। तभी यार सबसे पहले उसने आकर सिंदूर लगा डाला और दुल्हन को अपनी बना लिया। दोस्तों बाय बाय टाटा गुड बाय। आशिक ने सोचा होगा टेंट वेंट भी लगे हैं, रिश्तेदार खाना भी खा रहे हैं, दुल्हन भी बिल्कुल तैयार श्यार होकर आई है, चलो सिंदूर लगा डालते हैं और अपनी बना लेते हैं। एहे, रहा नहीं जाता। ये आपका भी बना दिया। आप मेरे साथ ऐसे एंग्री में चलोगे? अरे भैया क्यों जाएंगे, तो एक काम कर स्टैंड बनवा ले, स्टैंड लगा लेना और उसके सामने खड़ी हो जाना ताकि तुम पीछे को ना जा सके। क्या सोच है रे तेरी, नहीं तो तुम्हारी शादी में एक टेंट लगा होगा और टेंट में बम्बू लगा होगा, उस बम्बू के पास जाकर खड़े हो जाना और बम्बू के साथ लगकर खड़े होना ताकि पीछे को ना गिर सके। लेकिन बम्बू पर ज्यादा वजन मत डालना, नहीं तो टेंट उखड़ जाएगा और दूल्हा बोलेगा मुन्नी ने तो टेंट उखाड़ डाला। यह बंदे की बहुत मुश्किल से नींबू में लोग घुसेड़ घुसेड़ कर शादी होती है, तब यार ऐसी खुशी होती है, यानी कि देखो यार अपनी शादी में कैसे नाचे जा रहा है, यानी कि खुशी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। पहले बैठकर नाचा, फिर खड़े होकर नाचने लगा, यार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है दोस्तों। और दुल्हन की तरफ देखो, अबे ये भी गई हाथ से। दुल्हन बोलती होगी ये कौन सा दूल्हा ले लिया मैंने, ये तो पागल हो गया। तो चलो यार मित्रों हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।